हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। और मेरा नाम अनिकेत पाठक है और मैं आपका जो है आज के लेक्चर में जो है यूपी बोर्ड 2020 के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आज उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे जो पिछले क्वेश्चन है आज आपका जो इस क्वेश्चन का जो प्रश्न नंबर 4 है, ठीक लास्ट पेपर कोड 824 NZ जो है इसके जो पिछले वाले सवाल हैं वो हम लोग जो है पिछले लेक्चर में हल कर लिए हैं। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आपके जो पिछले क्लास का जो लेक्चर है उसका जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग आज प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं और 4 में आपसे क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 4 के कुछ डायग्राम बनाए गए हैं। प्यारे बच्चों, क्या बता रहे हैं, आइए पहले सवाल को पढ़ते हैं। संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 बराबर R2 बराबर R3। प्यारे बच्चों, संलग्न प्रतिरोध यानी R1, R2 और R3 आपस में क्या है, बराबर है और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 30 ओम है। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, क्या क्या दिया है, दिया है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर कितना है, 30 ओम है। ये आपस में तीनों क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। आगे क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, R4 इक्वल टू यानी जो ये R4 है वो कितना है डियर स्टूडेंट, 10 ओम है। कितना है, 10 ओम है। तो आप इसको भी यहाँ लिख सकते हैं R4 इक्वल टू कितना है, 10 ओम है। डियर स्टूडेंट, इतना बड़ा सवाल या इतना बड़ा डायग्राम देख के डरना नहीं है, तो एकदम छोटा सा सवाल है। आगे कह रहे हैं प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट एवं 0 आंतरिक प्रतिरोध वाली है, यानी इस बैटरी की जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है वो 0 है और जो वोल्ट है वो कितना है, 16 वोल्ट है। कितना है, 16 वोल्ट है। तो डियर स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रतिरोधक में से बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 और I6 प्रत्येक सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 और V4 और V5 और V6 की क्या करना है डियर स्टूडेंट, गणना करना है। और साथ में पूछा है परिपथ में कुल बहने वाली विद्युत धारा की गणना भी करना है। तो डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, दो क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करना है। तो यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा आई क्वेश्चन ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बता दें आपको, ये 7 नंबर के पूछे गए हैं डियर स्टूडेंट, तो आप अच्छे से मन लगा के समझिएगा डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप देखिएगा, धारा ज्ञात करने के लिए, धारा ज्ञात करने के लिए I इक्वल टू V अपान R यही फार्मूला है हमारे पास। और डियर स्टूडेंट, V का मान आपको पता है पर हमारे पास R का मान नहीं पता है, वो R इस प्रकार जुड़े हैं, आप देख लीजिए डियर स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, A और B के बीच जो R1 और R2 और R3 है ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में है। अब कहोगे सर आप कैसे जान गए समांतर क्रम में है, हमने बताया है प्यारे बच्चों कि जब प्रतिरोधक के सभी प्रतिरोधक के एक सिरे, इस प्रतिरोधक का एक सिरा, ये दूसरा सिरा, ये इसका एक सिरा किसी एक बिंदु पर जुड़े हों और बाकी जो सिरे हैं वो एक बिंदु पर जुड़े हों, वो कौन से संयोजन कहलाते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा जरा सा, तो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला आपको चित्र या आपको ऐसे बताया गया होगा कि जब प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है तो कौन सा संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध D
डियर स्टूडेंट, अतः तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोध 1/r होता है, तो a और b के बीच का तुल्य प्रतिरोध है आर ए बी लगा दिए डियर स्टूडेंट, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/ क्या होता है R3 होता है। आप R1 का मान रख सकते हैं प्यारे बच्चों, R1 का मान कितना है 30 है, तो 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, एक एक दो एक कितने हो गए 3/ कितना आ गया 30, 3 × 1 = 3, 3 × 2 कितना हो गया 30 प्यारे बच्चों, तो 1/RAB आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर ए बी बराबर कितना आ गया 10 ओम, यानी जो तुल्य प्रतिरोध आया वो 10 ओम आया। अभी तो आपने ए और बी के बीच में निकाला है डियर स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देखिए R5 और जो R6 है वो भी क्या है समांतर क्रम में है, तो ऐसे लिखेंगे R5 व R6 समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों DOC, तो R1/RDC बराबर क्या हो जाएगा 1/R5 है, क्या है प्यारे बच्चों 1/R5 प्लस 1/R6, तो डियर स्टूडेंट R5 का मान आप रखिए, तो आप देखिए R5 के मान आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, R5 का मान आपको क्वेश्चन में आपको दिया गया है 40 ओम है, क्या है प्यारे बच्चों 40 ओम है, क्या है प्यारे बच्चों 40 ओम है, तो आप यहां रख सकते हैं 1/40 प्लस 1/40, तो हर बराबर है डियर स्टूडेंट, तो आप अंश को जोड़ दोगे तो 2/ कितना आ गया 40, 1/RDC इसे कैंसिल करोगे तो 1/20 आ जाएंगे, तो इस प्रकार अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डियर स्टूडेंट तो RDC इक्वल टू कितना आ गया 20 ओम आ गए, ये आपने RDC निकाल लिया डियर स्टूडेंट। आपने क्या किया, दो चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली हैं, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध और डी और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो प्यारे बच्चों आप अगर देख रहे होंगे तीन दोनों को जब आपने जोड़ दिया तो ये श्रेणी ये एक हो गए, इन तीनों को आपने जोड़ दिया तो ये एक हो गए, तो देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध और ये तीनों किस क्रम में आ गए श्रेणी क्रम में आ गए डियर स्टूडेंट, अब ये तीनों प्रतिरोध मिलके एक तार में हो गए और ये दोनों मिलके एक तार में हो गए, तो हमने पढ़ा है कि जब किसी प्रतिरोध के एक सिरे को ऐसे जोड़ दिया जाता है प्यारे बच्चों, जैसे एक प्रतिरोध हो गया ये, फिर उसके बाद कोई दूसरा प्रतिरोध क्या हो जाए, जैसे ये मान लीजिए एक प्रतिरोध हो गए, फिर कोई ये दूसरे प्रतिरोध ऐसे हो गए, तो इनको जब एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ते हैं तो वो कौन सा संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। डियर स्टूडेंट क्रैश कोर्स के दौरान हम जरूर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन बताएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आज की क्लास में समय नहीं है कि हम आपको उसमें बताएं, तो आप थ्योरी पढ़े होंगे जरा सा ध्यान दिए होंगे तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ से RDC, RAB और R4 तीनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे चूंकि R4 RDC तथा RAB श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा R टोटल का मतलब कुल, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 के स्थान पे R4 है और यहाँ RDC है और यहाँ RAB है प्यारे बच्चों, रख दीजिए R4 का मान आप देख ही रहे होंगे कितना है प्यारे बच्चों 10 है, और RDC कितना आया है प्यारे बच्चों 20 है, RAB कितना है 10 है, 20, 10, 30, 10 कितने आ गए 40 ओम, तो प्यारे बच्चों R टोटल का मान कितना आ गया 40 ओम आ गया। आपको R नहीं ज्ञात करना था डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ही बताया गया था परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करना है, तो परिपथ में
प्रवाहित कुल धारा, प्रवाहित कुल धारा आई, आई टोटल मान लीजिएगा या आई बराबर वी अपान आर टोटल। तो प्यारे बच्चों वी का मान आप देख रहे होंगे कितना है, 16 वोल्ट है। कितना है प्यारे बच्चों, 16 है। और आर टोटल का मान कितना है प्यारे बच्चों, 40 है। आप कैंसिल कीजिएगा इसको, 8 2 16 और यहाँ 20 आ जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो प्यारे बच्चों आई इक्वल टू कितना आ गया, 2/5। तो भाग दोगे, इसे भाग दोगे तो 0.4 एम्पियर आ जाएंगे। इस प्रकार आपका जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 0.4 एम्पियर के बराबर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, आपका जो ये 7 नंबर का क्वेश्चन था वो आपका हमने हल कर दिया है। सबसे पहला काम क्या था, ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े थे, इनको हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े थे, समांतर क्रम में जुड़े थे, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाले। तो जो इसका प्रतिरोध आया और जो इसका आया, ये दोनों और ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए, तो हमने इनका प्रतिरोध निकाल लिया। अब धारा निकालना था तो धारा का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, हल कर दिए प्यारे बच्चों। अगर जिन बच्चों को ये क्वेश्चन करने में समस्या आती है, कहीं भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर ये बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आपको नहीं आते तो इसके स्थान पर आपको एक अथवा क्वेश्चन करके दिया गया है, चलिए अथवा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 का जो अथवा क्वेश्चन है, अथवा करके पूछा गया है आपके एग्जाम में, वो हम हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो हल क्वेश्चन क्या है आपका, वो क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसके क्रिया विधि को क्या करना है, आपको समझाना है डियर स्टूडेंट। तो क्या पूछा है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आप वो बताइए। और उसके बाद ये जो है इसके नामांकित चित्रों का, नामांकित चित्र बनाना है, यानी सचित्र वर्णन करना है। तो डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इसको स्टार देना चाहते हैं तो आप कई स्टार दे सकते हैं, जिसकी वैल्यू आप खुद नहीं जान सकते प्यारे बच्चों। और इस बार इस बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर जरूर पूछेगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। या तो ये या तो विद्युत मोटर, इन दोनों हेडिंगे से या दोनों टॉपिकों से एक क्वेश्चन आपको 7 नंबर अनिवार्य ही आना है डियर स्टूडेंट। तो आप अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिससे आपका 7 नंबर कंप्लीट मिल जाए प्यारे बच्चों। आइए हम आपके आज इस 7 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या पूछा है, विद्युत जनित, तो हेडिंग बनाएंगे विद्युत जनित प्यारे बच्चों। उसने सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग विद्युत जनित्र का डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विद्युत जनित्र का डायग्राम बनाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लेंगे। ठीक, अच्छे से आप लोग पेपर में विद्युत जनित्र का डायग्राम बनाएंगे। क्या होता है, ए हो गए, फिर क्या हो गए, बी हो गए, फिर सी हो गए, ये डी हो गए। ये एक आयतकार कुंडली हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मेचर। फिर इसको किसी चुंबक, शक्तिशाली चुंबक के बीच क्या कर देंगे, रख देंगे। किसी दो शक्तिशाली चुंबक के बीच क्या कर देंगे, रख देंगे। एक यन हो जाएगा, यन और यस ध्रुव हो गए इनके प्यारे बच्चों। अब क्या होती है, इनमें दो ठो क्या लगा रहता है डियर स्टूडेंट, दो ठो वलय रहते हैं ऐसे कुछ। थोड़ा सा आप लोग जल्दी से इसको समझिएगा, दो ठो क्या लगे रहते हैं, वलय लगे रहते हैं। एक वलय यहाँ पर लग गए, फिर दूसरे वलय आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ऐसे दो ठो वलय लगे रहते हैं। फिर उसके बाद इन्हीं में दो ठो क्या लगे रहते हैं, कार्बन के ब्रुश लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं डियर स्टूडेंट, कार्बन के ब्रुश लगे रहते हैं। आप ऐसे कार्बन के ब्रुश बना दीजिएगा अच्छा से, फिर उसके बाद इसी से परिपथ को का कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। इसी को आप परिपथ से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट इसी को आप लोग परिपथ से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और इसी परिपथ में एक क्या लगा देंगे, प्रतिरोध लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्रतिरोध। और प्रतिरोध के रूप में आप लोगों ने क्या लगा के रखा है, बल्ब लगा के रखा है। और ये परिपथ को लाइए, क्या कर दिए, पूर्ण कर दीजिए प्यारे बच्चों। ये
ठीक, ये कार्बन का नाम देना, कार्बन के ब्रश का नाम देना चाहते हो तो एक्स वाई दे सकते हो, ये सी वन हो गए और ये क्या हो गए, सी टू हो गए प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आप इसकी एक क्या बना सकते हो, घुलन अक्ष बना सकते हो ऐसे, ठीक ये हो गए प्यारे बच्चों। आइए अब आपके सामने हम लोगों ने विद्युत जनित्र का जो चित्र था वो आपने क्या कर दिया है, बना दिया है प्यारे बच्चों। तो जरा सा समझिएगा कि विद्युत जनित्र होता क्या है। डियर स्टूडेंट, आपको एक बार अच्छे से डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है प्यारे बच्चों। अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो एक्स और जो वाई है, ये एक्स और जो वाई है ये दोनों क्या है, ब्रश है, क्या है प्यारे बच्चों, ब्रश है, क्या है, ब्रश है, आप ब्रश लिख दीजिएगा। फिर ये जो C1 और C2 है, ये जो C1 और C2 है ये क्या है, वलय है, क्या है, वलय है। और ये ABCD क्या है, आर्मेचर है, इसे आप कुंडली भी कहते हो। और N और S क्या है, क्षेत्र चुंबक है। तो प्यारे बच्चों आज हम आपसे वादा करते हैं ये आपके जो 7 नंबर है वो पूर्ण रूप से क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूलोगे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, विद्युत जनित्र होता क्या है। विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अब कहोगे यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है और विद्युत ऊर्जा क्या होता है। प्यारे बच्चों आप लोग विद्युत ऊर्जा को देखते होंगे, जो जिससे आपके फैन वैन चलते हैं, तो जो ऊर्जा विद्युत ऐसी वह ऊर्जा या वह विद्युत ऊर्जा जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सके, कार्य को कर सकते हैं प्यारे बच्चों, वो आपके क्या कहलाते हैं, विद्युत ऊर्जा कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण ही क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। और विद्युत के द्वारा किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए हम समझते हैं ये क्या कर रहा है, यह एक ऐसा उपकरण होता है, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, यह एक ऐसा उपकरण होता है, यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, बदला जाता है। प्यारे बच्चों इतना लिखने के बाद इसका पूछा है यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो सिद्धांत हेडिंग बना देंगे प्यारे बच्चों। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट आपके मन में तुरंत प्रश्न उठा होगा कि आखिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है। आइए हम इसके कार्यविधि को समझाते हैं, आपको वहां से जरूर कुछ न कुछ समझ में आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो क्रियाविधि या कार्यविधि, प्यारे बच्चों कार्यविधि क्या होती है, अब समझिएगा क्या होता है। ये आप ये मान लीजिएगा ये कोई कुंडली है, आपने ऐसे रखा इसको। अब क्या करते हैं, जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के बीच रख देते हैं, सबसे पहला काम हमने इस कुंडली को किसी दो चुंबक के बीच क्या कर दिए, रख दिए प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इस कुंडली को अपने अक्ष के परितः क्या कराएंगे, घुलन कराएंगे। तो ऐसे हाथ से तो धीरे धीरे इसको घुलन कराएंगे, तो हाथ से धीरे धीरे घुलन नहीं कराना है, इसको तेजी से घुलन कराना है। ऐसे 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 ये तेजी से क्या करना चाहिए, घुलन करना चाहिए प्यारे बच्चों, ऐसे 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 इसको घुलन कराना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखकर तेजी से क्या किया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है प्यारे बच्चों। फिर से समझिएगा हमने क्या कहा,
कहा, जब किसी कुंडली को किसी चुंबक के बीच में रखकर क्या करते हैं, उसके अक्ष के परितः तेजी से क्या करते हैं, घूर्णन कराते हैं, घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद इससे, इस कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, इस कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, उसके मान में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही इस परिपथ में एक धारा उत्पन्न हो जाती है, और वो धारा इस पतार के सहारे इससे होते हुए इस बल्ब के पास पहुंचता है, और बल्ब आपके क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो फिर से समझते हैं कहानी क्या है। किसी चुंबक, कोई दो ठो चुंबक ले लीजिएगा, क्या ले लेंगे, दो ठो चुंबक ले लेंगे, दो चुंबक के बीच किसी कुंडली को रख देंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके अक्ष के पर तक घूर्णन कराएंगे, उसके अक्ष के पर तक घुमाएंगे। तो जैसे जैसे कुंडली घुमाते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी, इससे जो ये जो रेखाएं हैं, ये चुंबकीय फ्लक्स को दिखा रही हैं, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वैसे ही वहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप एक धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो ये घुमा रहे हो, ये यांत्रिक ऊर्जा है, और यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में बदल गई। प्यारे बच्चों, आइए हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबक के बीच में रखकर तेजी से घुमाया जाए तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक धारा उत्पन्न होती है। धारा उत्पन्न हो जाती है, इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप इसके क्रिया विधि या कार्य विधि को समझा सकते हैं। एक बार आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। क्या सिद्धांत है प्यारे बच्चों, कि किसी कुंडली को रखकर, चुंबक में रखकर घुमाते हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा कि इस कुंडली को बिना चुंबक के बीच में रखकर घुमाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो जब किसी कुंडली को चुंबक के बीच में रख के क्या करते हैं, घुमाते हैं, जब इसको घुमाएंगे तो इसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो जब ये परिवर्तन होने लगेगा, इसके परिवर्तन के कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होगी, वही जो धारा होगी वो धारा विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, और वही धारा के कारण ये बल्ब आपका क्या होता है, जलने लगता है। प्यारे बच्चों, कभी कभी पूछता है आपके पेपर में कि विद्युत मोटर जनित के
भागों का वर्णन कीजिए या विद्युत जनित्र की संरचना का बताइए। तो प्यारे बच्चों, विद्युत जनित्र मुख्यतः चार भाग होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्षेत्र, दो ठो चुंबक होते हैं जिसे हम लोग क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक या शक्तिशाली चुंबक। तो सबसे पहला भाग, प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर मुख्यतः चार भाग होते हैं। सबसे पहला होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर ए बी सी डी जिसे आप कुंडली भी कहते हैं, दूसरा होता है आर्मेचर, तीसरा होता है दो ठो वलय C1 और C2, दो ठो वलय होते हैं, और चौथा लास्ट होता है दो ठो ब्रश लगे रहते हैं। प्यारे बच्चों, तो अगर आप इनके संरचना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? संरचना में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहला क्या होता है? क्षेत्र चुंबक होता है। दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट? आर्मेचर होता है। तीसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? वलय होता है। क्या होता है? विभक्त वलय, या दो ठो वलय होते हैं, विभक्त वलय। और चौथा क्या होता है डियर स्टूडेंट? ब्रश होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इनके बारे में लिखोगे कैसे? क्षेत्र चुंबक क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो लिखेंगे, यह दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिनके इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य यही रहता है कि इनके बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है। प्यारे बच्चों, फिर से सुनिएगा, हमने क्या कहा, आप अपने लैंग्वेज में बताओ, यह दो ठोका होते हैं, चित्र में देखिए, ये दो ठो क्या है? शक्तिशाली चुंबक होते हैं। अब इनके बीच किसको रखा गया? आर्मेचर को रखा गया है ना, कि आपको रखा गया? नहीं, आपको नहीं रखा गया प्यारे बच्चों, आर्मेचर को रखा गया है। तो ये दो ठो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, इनके बीच आर्मेचर को रखकर घुमाया जाता है। बस इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, जिसमें दो ठो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक क्या होते हैं? दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आगे समझिएगा, दूसरा होता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है प्यारे बच्चों? ये तार के कई फेरों को लपेट कर बनाई गई एक आयतकार का होती है कुंडली होती है। प्यारे बच्चों, जैसे ये एक वायर हो गया, ठीक। अब ये वायर ये भी जो आर्मेचर बनी है ना, ये कहीं लकड़ी और मकड़ी से नहीं बनी है, तार से ही बनी। देखिए क्या होता है कि इस तार को जो है कई फेरे लपेट कर हम लोग क्या दे देंगे? एक आयत नुमा क्या दे देंगे? आकृति दे देंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आपने क्या किया कि ये तार लिए, एक भाग इसको फिक्स कर दिए, ऐसे कर दिए प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद अब हमारे पास दो ही हाथ है, ज़्यादा हाथ तो है नहीं रे स्टूडेंट, क्या किया जाए? अब मान लीजिएगा, इमेजिन आप कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ये वृत्त बन जा रहा है ऐसे करके, ठीक प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार तार के कई फेरे लपेटकर, इस पे कई फेरे लपेटकर बना दिया जाए, एक आयतनुमा आकृति बना दी जाती है, एक आयतकार आकृति बना दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? आर्मेचर कहते हैं। तो एक बार फिर से आप क्लियर कर सकते हैं, आर्मेचर क्या होता है? तार के कई फेरों को लपेट कर बनाई गई एक आयतनुमा आकृति ही क्या कहलाती है? आर्मेचर कहलाती है। अब कोई पूछा गया, आर्मेचर का काम क्या रहता है? अरे भाई साहब, आर्मेचर को ही रख को तो हम लोग घुमाते हैं, और किसको घुमाओगे? आर्मेचर को ही रखकर घुमाएंगे ना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप आर्मेचर के बारे में भी बता सकते हैं। अब लास्ट दो ठो आता है, एक विभक्त वलय है, एक ब्रश है। विभक्त वलय क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तो डियर स्टूडेंट, विभक्त वलय दो ठो अर्ध गोलाकार होते हैं, ये देखिए अर्धवृत्ताकार, एकदम सेम टू सेम ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे समझिएगा, ऐसे ऐसे दो ठो क्या होते हैं? अर्धवृत्ताकार होते हैं, दो ठो अर्धवृत्ताकार ताबे के छल्ले नुमा होते हैं, ये ताबे के बने होते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे अर्ध गोलाकार होते हैं। इसी में ये कुंडली रखकर क्या होती है? कसी जाती है। जैसे ये हो गया आपका, मान लीजिएगा ये कुंडली ही हो गई, ये जो कुंडली का तार निकल गया है, अब इसको कसना है प्यारे बच्चों, तो आप ऐसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आप देखिए, एक ये हो गया अर्ध गोलाकार ताबे का एक भाग ये, और दूसरा आपका ये हो जाए प्यारे बच्चों। तो इसमें रखकर इस प्रकार इस कुंडली को क्या किया जाता है? रखा जाता है, इस प्रकार कुंडली को कसा जाता है डियर स्टूडेंट। आप देखिए, ये क्या होते हैं? दो ठो ताबे के छल्ले नुमा या ताबे के बने हुए अर्ध गोलेकार छल्ले होते हैं। ताबे का बना हुआ अर्ध गोलाकार क्या होता है? छल्ला रहता है, जिससे ये कुंडली क्या होती है? कसी जाती है, जिससे इस परिपथ को कुंडली से क्या कर देते हैं? कस देते हैं। क्या कर देते हैं?
कस देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गए आपके विभक्त वाले। दो ठो कार्बन की धातुओं की बनी दो ठो ब्रश होती हैं, जिसे हम लोग ब्रश भी कहते हैं। कार्बन की बनी, कार्बन धातु की बनी दो ब्रशें होती हैं, जिनका काम क्या रहता है डियर स्टूडेंट, ये कार्बन की बनी दो धातुएं होती हैं जिनके जिनका काम क्या रहता है, ये कुंडली को केवल स्पर्श कर दी रहती है, ऐसे जैसे ये कुंडली को स्पर्श किया जिससे ये कुंडली घूमता रहे आपका। और ये अगर ये दोनों ब्रश लगाई क्यों गई, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी प्यारे बच्चों, तो आपको बता दें ये दोनों ब्रश इस प्रकार इसलिए लगाई जाती हैं, अगर ये दो ब्रश नहीं रहते, ये वायर आप डायरेक्ट इनसे जोड़ देते इस कुंडली से, तो जब ये आप कुंडली को घुमाते तो ये परिपथ एक फेरा दो फेरा तीन फेरा चार फेरा मुड़ता, मुड़ने के बाद परिपथ आपका टूट जाता है जिससे नष्ट हो जाते। तो नष्ट होने के लिए ये दो ठो क्या लगा दिए गए, कार्बन की ब्रशें लगा दी गई जो कि केवल कुंडली को स्पर्श किया रहता है, कुंडली अपना घूमता रहता है जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट एक बार फिर से इनके संरचना के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिनके बीच आर्मेचर को रखा जाता है। आर्मेचर क्या होता है, तार के कई फेरे को लपेटकर बनाई गई एक आयतनुमा आकृति ही, एक आयतनुमा कुंडली ही आर्मेचर कहलाती है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर क्या करते हैं, घुमाते हैं। विभक्त वलय क्या होता है, ये दो ठो तांबे के बने छल्ले होते हैं जिनकी सहारा से या जिनकी सहायता से कुंडली को परिपथ से कसा जाता है या जोड़ा जाता है। डियर स्टूडेंट ब्रश क्या होती है, कार्बन की बनी दो धातुएं होती है जो केवल कुंडली को स्पर्श करती रहती है, जिसके सहायता से करंट जो है आपका परिपथ में प्रवेश करता है। तो आई होप प्यारे बच्चों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ साथ में लाइक कीजिएगा। प्यारे बच्चों आपके एक लाइक से हम लोगों को एक अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है डियर स्टूडेंट। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद बच्चों।